बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर बिहार से सामने आई। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बिहार की जनता ने सड़क पर ही घेर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। पर मंत्री जी तो शेखी बघारने के लिए बिहार की जनता के बीच पहुंचे थे, पर उल्टा ही बिहार की जनता ने उन्हें खदेड़ दिया है। कैसे ये वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अश्विनी चौबे के ऊपर जो है बिहार की जनता का गुस्सा फूट गया और उन्हें वहां से धूम दबा करके भागना पड़ा। और कैसे इससे पहले बक्सर में तमाम बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। लोगों की श्रद्धा पर ये जो चोट उन्होंने पहुंचाया है, ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातन धर्म में रामचरितमानस वो केवल एक धर्म के लिए नहीं, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए राह बताया गया है। ये अज्ञानी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ज्ञान सीखने की जरूरत है। माफी मांगना चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग किस होवे में क्या करेंगे बाबा? आप लोग क्या विरोध करेंगे? भाई विरोध तो मैंने कहा जब अज्ञानी हो, अब अज्ञानी के पास विरोध की बात क्या है? अज्ञानी है, उनको ज्ञान सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि वो जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बयानबाजी जो है अश्विनी चौबे कर रहे थे। अश्विनी चौबे के इन्हीं बयानों की वजह से बिहार की जो जनता बक्सर में मौजूद थी वो नाराज हो गए, और उनकी नाराजगी उस समय फूट गई जब उनकी गाड़ी पर हमला होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके काफिले पर पथराव भी किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए। बक्सर चौसा के बानरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों को सुरक्षा कर्मियों के घेरे में सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा कर्मियों के घेरे से बाहर निकलते ही धूम दबा करके भागते हुए अश्विनी चौबे दिखाई दिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थर्मल पावर प्लांट पर आगजनी के बाद किसानों से बातचीत करने बानरपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए किसानों से बात भी की, लेकिन यहां उमड़ी भीड़ उग्र हो गई। और चौबे बक्सर से सांसद भी हैं, यानी कि मोदी जी के मंत्री को दुम दबा करके भागना पड़ा है बक्सर से। जो कि आप देखेंगे कि बीते कुछ महीनों के अंदर जब से जेडीयू से साठगांठ खत्म हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अचानक से जंगल राज जो है वो बिहार में बढ़ने लगा। ये तस्वीरें मीडिया को भी नजर आने लगी, और जब सत्ता में बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी वो भी पूरी तरीके से खामोश थी, क्योंकि मलाई खाने में भारतीय जनता पार्टी को मजा आ रहा था। जब नीतीश कुमार ने आईना दिखा दिया तो तमाम तरीके से जंगल राज और तमाम हत्याओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती हुई दिखाई दी। इसी के चलते बक्सर पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में किसानों ने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बक्सर के चौसा गांव में सतलुज जल विद्युत निगम के थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। किसान इसका उचित मुआवजा मांग रहे हैं। पुलिस ने इससे पहले मंगलवार देर रात किसानों के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं पुरुषों के साथ बच्चों पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई। लाठी चार्ज की घटना का वीडियो किसानों के परिजनों के द्वारा साझा कर
पूछ रहे हैं कि अपराधियों के सामने घुटने टेक देने वाली पुलिस आखिर हमें इतनी बर्बरता से क्यों पीट रही है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इसी के बीच मंगलवार रात घरों में घुसकर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाए जाने की घटना के बाद किसान भड़क गए थे, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया, चौसा पावर प्लांट में भी तोड़फोड़ कर दी गई। किसानों ने मोर्चा खोल दिया और रात भर बवाल करते रहे। किसानों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। अब किसानों को लेकर के बात करने कौन पहुंचा? वो सरकार जिसने खुद किसानों के साथ में जुल्म ज्यादती की इंतहा पार कर दी, और केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे देशभर में किसानों ने मोर्चा खोला उसकी तस्वीरें भी सामने आई। अब बिहार में किसान के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज चला दिया, तो वही पैरवी करने के लिए पहुंचे किसानों की, जो किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कटीले तार लगा रहे थे, जो सड़कों पर नोकीली कीले लगा करके किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जब बिहार की जनता ने अश्वनी चौबे को घेरा तो तस्वीरें आपके सामने थी। किस तरीके से यह मामला गरमाया, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बक्सर जिले के बनारपुर गांव के खेल मैदान में पहुंचे बक्सर के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री को धृतराष्ट्र कहा कि हमारे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल ले हुए हैं। पहले समाधान बक्सर के किसानों की होनी चाहिए, किसानों का केस वापस होना चाहिए, न्याय संगत जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फिर कहा कि किसानों के इस मांगों को हम बराबर उठाते रहे हैं। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बक्सर जल रहा है। वो कहते हैं हमें मालूम नहीं कि आखिर आपका मिशनरी कहां है, आपका न्याय तंत्र कहां है, आपके मजिस्ट्रेट कहां है, आपको जो DIG हैं, आपके जो सोशल प्रसारण की व्यवस्था है वो कहां चली गई है। मूड़ी हिलाते हुए और कहते हैं मुझको मालूम ही नहीं। बक्सर में आग लग गई, किसानों पर लाठियां बरसाई गई और मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, ये झूठे हैं, इनकी कब्र खुदा गई है। फिर कहा कि हम भी किसान के बेटे हैं, किसानों पर लाठियां चलेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन किसानों ने इनकी भाषा को बीच में ही रोकना और टोकना प्रारंभ कर दिया और सवाल पर सवाल करने लगे तो माइक थमा अपनी गाड़ी में बैठ निकलने लगे, तो पीछे पीछे किसान दौड़ने लगे और पूछने लगे कि प्रशासन हम पर अत्याचार कर रही थी तो आप कहां थे। बक्सर के बनारपुर गांव का खेल मैदान गुरुवार को राजनीतिक अखाड़ा बन गया। दोपहर में 2 बजे विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी तो शाम 4 बजे के करीब बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे तो वहीं थोड़ी देर बाद सदर विधायक मुन्नत तिवारी भी पहुंच गए। सभी ने पुलिस के द्वारा किसान के परिवार के साथ की गई बर्बरता की निंदा करते हुए SHO अमित कुमार को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली। वहीं सदर विधायक ने कहा कि आप लोगों पर जो FIR हुआ है वे वापस होगी, किसी भी किसानों की गिरफ्तारी नहीं होगी। किसानों का सभी नेताओं से बस एक ही सवाल था कि इतने दिन से आप कहां थे, आप हमारे साथ खड़े होते तो प्रशासन हमारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करती। यही सवाल अश्वनी चौबे से पूछा गया। और पिछले केंद्र के सरकार के दौरान जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे तो वो सवाल भी उनके ऊपर दागे गए, बच निकलने की कोशिश करते रहे पर जनता ने घेर लिया। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तरीके से अश्वनी चौबे को भीड़ से बचाया और गाड़ी में बैठा करके दुम दबा करके भागते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद नजर आए हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।